नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, आजकल गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर है। गर्मी के मौसम में गर्म हवा और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि गर्मी की लू से बचने के लिए आप कैसे छोटे मोटे घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके उतना लू लगने से बचें। धूप में निकलते वक्त छाते का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर ढक कर धूप में निकलने से भी लू से बचा जा सकता है। घर से पानी या कोई ठंडा शरबत पीकर बाहर निकलें, जैसे आम पन्ना, शिकंजी या जो आपको पसंद हो वो। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, तेज धूप से आते ही और ज्यादा पसीना आने पर फौरन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मी में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, उससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी में नींबू और नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीते रहना चाहिए, इससे भी लू लगने का खतरा कम हो जाता है। और दोस्तों, ध्यान रखें कि धूप में बाहर जाते वक्त आप कभी भी खाली पेट नहीं होने चाहिए। लू से बचने के लिए आप सब्जियों का सूप भी पी सकते हैं, ये भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। गर्मियों के सीजन में हल्का खाना खाना चाहिए और खाने में दही को जरूर शामिल करें। लू से बचने के लिए नहाने से पहले जौ के आटे को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर बॉडी पे लगाकर कुछ देर बाद ठंडे पानी से नहाने से आप लू से बच सकते हैं। लू से बचने के लिए आप कच्चे आम का लेप बनाकर अपने पैरों के तलवे पर मालिश भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जो ज्यादा गर्मी पड़ने से या लू लगने से घमोरियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आप बेसन को पानी में घोलकर घमोरियों पर लगा सकते हैं, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। लू से बचने का एक और बड़ा ही दिलचस्प नुस्खा है, वो ये कि धूप में निकलने से पहले नाखूनों पर प्याज घिसकर निकलें, इससे आपको लू लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप धूप से आने के बाद थोड़ा सा प्याज का रस शहद में मिलाकर चाटें तो इससे भी लू लगने का खतरा कम होता है। गर्मी के मौसम में खाने के बाद गुड़ खाने से भी लू लगने का डर कम हो जाता है। टमाटर की चटनी, नारियल और पेठा खाने से भी लू नहीं लगती। तो दोस्तों, इन सारे नुस्खों को जरूर अपनाएं और अपने आप को इस चिलचिलाती गर्मी भरी लू से बचाएं। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।